लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद जेजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक लेने राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला व पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला आज नारनौल पहुंचे। नारनौल पहुंचने पर जजपा कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ अपने नेताओं का स्वागत किया। पत्रकारों से रूबरू होते हुए जेजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ने कहा कि लोकसभा चुनाव की हार पर मंथन करने और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर वह सभी जिलों में कार्यकर्ताओं से रूबरू हो रहे हैं। आज प्रदेश के 22वें जिले में वह कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने पहुंचे हैं। साथ ही मौजूदा मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि 24 घंटे उनके दरवाजे खुले हैं, तो क्या पिछले 4.5 साल दरवाजे बंद थे? अब चुनाव को नजदीक देखते हुए भाजपा जनता को बरगलाने की कोशिश कर रही है। साथ ही बेभानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे व महेंद्रगढ़ से विधायक रामदान सिंह पर हुई ईडी की रेड पर कहा कि पुराने मामले को लेकर ऐसी कार्रवाई अमल में लाई गई है। इस केस के सिलसिले में दान सिंह के बेटे ने भी कुछ समय जेल में बिताया है, यह कानूनी प्रक्रिया है, क्या कुछ कहा अजय चौटाला ने, चलिए आपको सुनवाते हैं। हम अपने काम पे लगे हुए हैं। आज अंतिम जिला 22वां है आपका। 21 जिलों में अब तक कार्यकर्ताओं की मीटिंग ले चुके हैं, जहां हम अपने कार्यकर्ताओं के बीच अपने पिछले चुनाव के हार का विश्लेषण और आगामी चुनाव की तैयारियों के लिए बातचीत कर चुके हैं। संगठन को और ज़्यादा प्रभावी और मजबूत कैसे बनाए, उस पर भी विचार विमर्श किया है। निरंतर अपना काम कर रहे हैं, मेरे कहने और बताने की आवश्यकता नहीं। सभी मुख्यमंत्री जिस तरह की घोषणाएं आज कर रहे हैं, इसका मतलब 4.5 साल तक उन्होंने बेकायदगियां की। आज लॉलीपॉप दे रहे हैं, रेवड़ियां बांट रहे हैं, तो 4.5 साल क्या किया? आज तो कह रहे हैं कि 24 घंटे मेरे दरवाजे खुले हैं, तो 4.5 साल दरवाजे बंद थे, पूरा कर देंगे, अच्छी बात है। हम तो इस बात के पक्षधर रहे हैं, देर आए दुरुस्त आए, अब भी अगर उनकी बुद्धि काम कर जाए और दे दे तो अच्छी बात। कानून व्यवस्था का जनाजा निकला हुआ है प्रदेश में, आए दिन आप देख रहे हैं मर्डर हो रहे हैं, सरेआम गोलियों से भुना जा रहा है, लोगों से फिरौतियाँ मांगी जा रही हैं। पुराने केसेस हैं ईडी के, कोई नया केस नहीं है, उस पर कार्रवाई हो रही है। रावदान सिंह के ऊपर भी हुई है, उसके खिलाफ भी पुराना मुकदमा है, उसका बेटा जेल में भी रह करके आया है, और जिस विधायक को आज अरेस्ट किया है उसके साथियों पर भी माइनिंग के पुराने मुकदमे हैं ईडी, वो अपना काम कर रहे हैं।